नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का बयान, कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित अनेक शीर्ष नेता करेंगे हरियाणा में प्रचार। वहीं फिल्म जगत के लोग भी कांग्रेस के प्रचार में शामिल होंगे। प्रदेश में कांग्रेस की लहर। हलोपा नेता गोपाल कांडा के कांग्रेस में समर्थन देने के सवाल पर बोले अशोक तंवर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कांडा बड़ा भाई है, वो समर्थन दे सकते हैं। वहीं डेरा में नाम चर्चा में शामिल होने के सवाल पर अशोक तंवर का भी बयान आया। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित अनेक शीर्ष नेताओं के साथ साथ फिल्म जगत के लोग भी प्रचार करेंगे। इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और दूसरी पार्टियों को छोड़ करके लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये बात आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अशोक तंवर आज सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर हैं। इस मौके पर हलोपा नेता गोपाल कांडा का कांग्रेस को समर्थन देने के सवाल पर जवाब देते हुए अशोक तंवर ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और गोपाल कांडा उनके बड़े भाई हैं, वो समर्थन दे सकते हैं। वहीं डेरे में नाम चर्चा में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी वे डेरे जाते रहते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि वे आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो वह आशीर्वाद लेने के लिए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और इनेलो नेताओं ने तो डेरे पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने भाजपा पर भी एक सवाल दागा। उन्होंने कहा कि भाजपा डेरों पर आरएसएस के लोगों को घुसाना चाहती थी, अब भाजपा का इलाज भी होगा और आरएसएस वालों का भी होगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। वहाँ तो कल 71वां स्थापना दिवस था, तो हम तो शुभकामनाएं देने गए थे। मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से डेरों में संतों के पास, मैं तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उनसे ज्ञान मिलता है, उनसे मन की शांति होती है और सबसे बड़ी बात उनका आशीर्वाद लेकर के ही आदमी आगे बढ़ता है। ये भाजपा वाले तो डेरों पे कब्जा करते हैं, इनेलो वाले ने भी डेरों पे कब्जा किया था, इसलिए जो इस तरह की मानसिकता रखता है, मैं तो आरएसएस को घुसाना चाहते थे उन डेरों के, तो आरएसएस का भी इलाज होगा और जो गड़बड़ करना चाहते थे उनका भी होगा। और जो निर्दोष लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जल्दी वो समय भी आएगा जब पूरी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उनके हक में भी फैसले जाएंगे। सर, सिरसा में गोपाल कांडा से भी किसी तरह के समर्थन की बात चली है या लिया जा सकता है? सर, समर्थन तो एक एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण है और उसी को ध्यान में रख करके हम तो सभी साथियों से आह्वान करते हैं कि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रदेश को जो लूटने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश में और देश में पूरा एक व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ सब लोग सहयोग करें। ये तो समाज की, देश की, हमारे प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। मैं सबका उसमें धन्यवाद करता हूँ, जिन जिनका सपोर्ट मिला और जिनका मिलने की संभावना है उनका भी आभारी। संभावना है बिल्कुल बिल्कुल, संभावना हमारे भाई है और राजनीति संभावनाओं का खेल है।